मित्रों नमस्ते, आइए हम बलराम चौरसिया और लॉजी बीएल नॉलेज पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के एक अति महत्वपूर्ण बिंदु मौलिक अधिकार। लगभग सभी स्तर के परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनते बनते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1925 के श्रीमती एनी बेसेंट के कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में की गई थी। उसके बाद 1928 के नेहरू रिपोर्ट में इसकी मांग की गई थी। 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, जहां के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने अपने मांग पत्र में कांग्रेस से मौलिक अधिकारों की मांग की थी। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 को में रख दिया गया और इसे संवैधानिक कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की चर्चा हम लोग एक एक करके करते हैं। पहला है समानता का अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक की गई है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 कहता है कि सार्वजनिक नौकरियों में सबको समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है कि आपसे छुआछूत का भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 18 कह रहा है कि शैक्षिक एवं सैनिक उपाधियों के अलावे आप यदि कोई उपाधि धारण किए हैं तो उसको संविधान रद्द कर सकता है। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की गई है। अनुच्छेद 19 कहता है कि आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं, शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन कर सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी जगह निवास कर सकते हैं या बस सकते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि यदि आप पर अपराध सिद्ध हो गया है तो उस समय भी आप अपना आपको संरक्षण मिलेगा। संविधान इसकी व्याख्या करता है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक को व्याख्या किया गया है कि आपके प्राण पर सरकार का अधिकार है, आप अपना प्राण चाहे तो अपने से नहीं निकाल सकते हैं। अनुच्छेद 21 क में यह प्रावधान है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। इसकी व्याख्या 2002 के 86वें संविधान संशोधन में किया गया। अनुच्छेद 22 कहता है कि बंदीकरण की स्थिति में आप अपना वकील रख सकते हैं, आप अपना मुकदमा चला सकते हैं, आप अपनी सुनवाई करा सकते हैं, आपको संरक्षण मिलेगा। तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक की गई है। तो अनुच्छेद 23 कह रहा है कि मानव की खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है, किसी के यहाँ बंधुआ मजदूर नहीं रहेगा। यदि उसका पिता पहले से मजदूरी उसके यहाँ करता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका लड़का भी उसके यहाँ मजदूरी करेगा। अनुच्छेद 24 कह रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से आप कल कारखानों में जोखिम भरा काम नहीं करा सकते हैं। चौथा मौलिक अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक की गई है। अनुच्छेद 25 कह रहा है कि अंतःकरण, आप अपने अंदर के भाव को व्यक्त कर सकते हैं, अपना धर्म बता सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 कह रहा है कि आप अपने धर्म से संबंधित कार्यक्रम कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। अनुच्छेद 27 कह रहा है कि धर्म विशेष के बढ़ावा के लिए आप चाहे तो चंदा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद 28 कह रहा है कि शिक्षण संस्थाओं में यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है तो ये दबाव नहीं रहेगा आप पर कि आप वहां उपस्थित हो या नहीं हो, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। तो पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसकी व्याख्या 29 अनुच्छेद से 30 तक की गई है। तो अनुच्छेद 29 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के भाषा और लिपि या संस्कृति की रक्षा संविधान करेगा। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यक चाहे तो शैक्षिक संस्था चला सकते हैं, स्कूल कॉलेज चला सकते हैं या सरकारी स्कूल कॉलेज में वे प्रवेश पा सकते हैं, उस पर कोई निषेध नहीं है, कोई रोकेगा नहीं। छवां जो है मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित आदेश देता है। पहला आदेश है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि आप वहां के न्यायालय में उसको 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत करें, वहां से उसकी कार्यवाही की जाएगी। परमादेश, ये ऐसा आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि कोई अधिकारी सार्वजनिक कार्य को
नहीं कर रहा है, अपने मन का कर रहा है, तो उस पर रोक लगाया जा सकता है। प्रतिषेध, ये आदेश है कि प्रत्येक उच्च स्तर के न्यायालय जो है अपने निचले स्तर के न्यायालय को कहता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद वाला आदेश है अधिकार परीक्षा। तो ये क्या है कि कोई भी सार्वजनिक कार्यालय है उसमें कोई भी व्यक्ति अपने मन से कार्य नहीं कर सकता है जिससे जन जन की जो है हानि हो, उसके अधिकार क्षेत्र में जो है वही काम कर सकता है, बिना अधिकार क्षेत्र का कार्य नहीं कर सकता है। उत्प्रेषण है ये आदेश। तो ये आदेश है कि यदि कोई निचला न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर दिया है तो उसको आदेश दिया जाता है कि आप उस कार्य को वापस लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।